नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के दिन में लेके आया हूं कल के लिए बेस्ट इंट्राडे लेवल्स टिप्स एंड रिकमेंडेशन। दो स्टॉक है जिसमें कल एक शानदार पोजीशन मिला के आपके लिए एक शानदार प्रॉफिट बुक हो सकता है। जिस प्रकार से मेरा रिसर्च हुआ है वो रिसर्च मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज के दिन आप देख सकते हो दोस्तों, आज मार्केट में कितना शानदार मूवमेंट रहा था। एक फॉल आया था जिसके कारण शानदार मूवमेंट रहा। स्टॉक ऑन देख सकते हैं कितने स्टॉक नेगेटिव थे और कितने स्टॉक पॉजिटिव थे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि जो मेरे टिप्स एंड रिकमेंडेशन है दोस्तों, उनको प्रॉपर रिसर्च करा के ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देन उसमें ही आप पोजिशन अगर बनाते हो तो प्रॉफिट निकलेगा। लेकिन एक और बात यह है कि आप आपके फाइनेंशियल जो एडवाइज़र हैं उनसे पूछ लीजिए करें पहले कि इसमें हम पोजीशन बनाए कि बनाए, इन्होंने ऐसा बताया। अगर वो बोलते हैं उनको अच्छा लगता है तो ही, नहीं तो अदरवाइज़ आप नहीं भी कर सकते हो, ठीक। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले स्टॉक को ले चलता हूँ, ये है JSW स्टील का, ठीक है। ये एक स्टील कंपनी का स्टॉक है जिसमें एक शानदार मूवमेंट आप लोगों को मिल सकता है। आज के दिन करीबन इसने 2% की तेज़ी देखने को मिली, ठीक है। आज के दिन आप इसका ओपन हाई लो प्रीवियस क्लो और करेंट मार्केट प्राइस देख सकते हो, ठीक है। कंटिन्यूसली इसके कौन से पॉइंट व्यू पर रिसर्च हुआ ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। इसमें NSE के चार्ट पे ले जाके बेसिकली जो मेरा चार्ट पैटर्न रहता है जिसमें मैं चार्ट करता हूँ, जो मेरा रहता है रिसर्च करने का, वो बेसिकली अलग रहता है चार्ट, उस पर रिसर्च होता है। लेकिन मैं आप लोगों को इसी स्टॉक में समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, इस मोमेंट पे मैंने रिसर्च करा था तो इसमें मुझे एक शानदार वॉल्यूम दिखा, देन एक इस स्टॉक में वॉल्यूम दिखा। दोनों पोजीशन पे मुझे यहाँ पर वॉल्यूम जो दिखा, जो क्वांटिटी ट्रेड हो रही थी वो एक शानदार क्वांटिटी ट्रेड हो रही थी, ठीक है। तो कंटिन्यूसली इसमें मुझे कल की डेट के लिए जो पोजीशन दिखी है वो दिखी है एक बाइंग पोजीशन। तो मैं अगर कल की डेट में आप लोगों को ये 222.50 रुपये पे मिलता है तो इसको डेफिनेटली आप बाय करिएगा, ठीक है। अगर मैं प्रॉफिट बुक करने की बात करता हूँ तो 224 रुपये का, ठीक है। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करता हूँ तो स्टॉप लॉस की बात करता हूँ तो 221 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करना, ठीक है। कंटिन्यूसली आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। सेकेंड स्टॉक पे लेके चलता हूँ दोस्तों। सेकेंड स्टॉक है भारतीय एयरटेल का, ठीक है। भारतीय एयरटेल आज के दिन 52 बिग का ही लगाया। किस प्रकार का मोमेंटम है आप देख सकते हो, शानदार मोमेंट हुआ। प्रीवियस क्लोज ओपन हाई करेंट पोजिशन देख सकते हो, ठीक है। आज के दिन 52 बिग का ही कुछ न्यूज़ है इसमें, कुछ शानदार न्यूज़ है। तो कल की डेट में भी इसमें एक शानदार मूवमेंट अपने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मैं इसमें पहले चार्ट पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यह है चार्ट, इस चार्ट पे देख लीजिए आप कंटिन्यूसली कितना शानदार चार्ट बना हुआ है। अगर चार्ट आप लोगों को दोस्तों रीड करते आ गया ना तो मैं बेसिकली बता रहा हूँ आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। बेसिकली देखिए, जो मेरा पॉइंट व्यू पे रिसर्च हुआ मैं वो बताता हूँ। एक इस पॉइंट व्यू पे हुआ, ठीक है, देन एक मेरा इस पॉइंट व्यू पे रिसर्च हुआ। दोनों में एक शानदार वॉल्यूम देखते हुए कल की डेट में इस स्टॉक में जो पोजीशन देखा गया है, कल की डेट के लिए भी इसमें बाइंग पोजीशन देखी गई क्योंकि वॉल्यूम इतना शानदार रहा था, ठीक है। तो अगर कल की डेट में ये 394 पे अगर मिलता है तो डेफिनेटली बाय करिए। 394 पे अगर ये आप लोगों को मिलता है तो बाय करिए, 400 का टारगेट मेंटेन करिए। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करता हूँ तो 300 करीबन अगर मैं बात करता हूँ तो 391.50 का इसमें आप लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, या 391 का भी कर सकते हो, 391 का, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा क्योंकि इंट्राडे टिप्स एंड रिकमेंडेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों के साथ। जो मेरी रिसर्च रहती है, जो मैं काम करता हूँ वही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद ही मेरी रिसर्च होने के बाद ही आप लोगों को पोजीशन बनाने की बोलता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं भी काम करता हूँ, डेफिनेटली आपको भी बोलता हूँ, आप करिएगा काम
प्रॉफिट बुक करिएगा, देन वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है, और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं आप लोगों को इस प्रकार का मोमेंटम स्टॉक बताते रहूँगा और मार्केट में क्या क्या अपडेट है ये मैं बताते रहता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि आज IRCTC ने कितना शानदार मूवमेंट करा, इसके भी जानकारी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई, वो भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।